दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के पिछले तीन मैच में टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बुरी तरह फ्लॉप रहे विराट कोहली को क्रिकेट के दिग्गजों का साथ मिलता दिख रहा है। क्रिकेट के दिग्गजों का अभी भी यह मानना है कि 2024 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ही वह बल्लेबाज है जिनके बल्ले के तूफान की बदौलत टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा सकती है। मतलब साफ है कि मैन इन ब्लू के कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के आगामी मुकाबलों में भी विराट के साथ ही पारी को आगाज करना चाहिए। आपको बता दें कि विराट कोहली वर्ल्ड के तीन लीग मैचों में अब तक कुल 5 रन ही बना पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाया था, लेकिन उसके बाद उनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। विराट की फॉर्म पे बात करते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज कप्तान ब्रायन लारा ने कहा कि कोहली को ओपनिंग पोजीशन से हटाने पर टीम इंडिया के ही हालात और बिगड़ जाएंगे। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने दो महान खिलाड़ियों के साथ शुरुआत कर रही है। मुझे लगता है कि उन्हें इस पर कायम रहना होगा, क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर में बदलाव करते हैं तो विराट को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे आना होगा और इससे चीजें खराब हो जाएंगी। भारत का कॉम्बिनेशन अच्छा है और कुछ समय में परिस्थितियों के साथ अच्छा करेंगे। जीत के बाद बदलाव करने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ब्रायन लारा के ही तरह पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और वसीम जफर भी ऐसा ही मानते हैं। गावस्कर और जफर दोनों ने ही कहा कि अमेरिका में बल्लेबाजी के लिए कंडीशन थोड़ी मुश्किल थी, ऐसे में विराट कोहली को न्यूयॉर्क के मुश्किल पिचों पर मिली नाकामी के बाद कुछ और मौके दिए जा सकते हैं। सुनील गावस्कर के मुताबिक विराट का जो फॉर्म IPL में था उसे देखते हुए लगता है कि वर्ल्ड कप में ओपनर ही ठीक है, क्योंकि मैच में अगर 5 से 4 ओवर के बाद उन्हें शुरुआत मिलती है तो वैसा फायदा नीचे नहीं उठा पाएंगे। सुपर 8 राउंड में विराट कोहली को IPL जैसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, उन्हें ओपनिंग करना चाहिए, उनकी क्लास पर किसी को भी शक नहीं है। वहीं दूसरी ओर वसीम जफर ने कहा कि अगर विराट कोहली को ओपनिंग पोजीशन से हटाया जाता है तो एक बार फिर नंबर 3 पोजीशन पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत अनसेट हो जाएंगे। विराट सुपर 8 स्टेज में अपनी असली रंग में जरूर आएंगे। रोहित और विराट न्यूयॉर्क की मुश्किल पिच पर खेल रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। विराट को कम न आके जैसे जैसे टूर्नामेंट अंतिम स्टेज में पहुंचेगा वो अपना असली रंग दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि विराट को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करना चाहिए, उन्हें ओपनिंग जारी रखना चाहिए। नंबर 3 पर ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली IPL 2024 में एक ओपनर के तौर पे RCB के लिए खेलते दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने सीजन के तमाम टीमों में किसी भी खिलाड़ियों से ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल की। विराट कोहली IPL सीजन 17 में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के धरती पर कोहली का बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया है। विराट कोहली अपने T20 कैरियर में सबसे ज्यादा मैच नंबर 3 पोजीशन पे ही खेलते आए हैं, जहां वह काफी सफल भी रहे हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड से पहले विराट की फॉर्म और बैटिंग पोजीशन को लेकर लगातार क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा को अपनी सलाह दे रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ ही पारी का आगाज करना चाहिए या विराट कोहली नंबर 3 पोजीशन पे ही टीम इंडिया के लिए बेस्ट है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।